लोग कहते हैं ना रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं, चलो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58, ठीक है, याद कर लेना। इसका तर्जमा क्या है, तर्जमा भी किया आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करें तो सब धन दौलत से बेहतर है। अच्छा फिर अल्लाह की कोई भी रहमत हो तो खुशी करने का हुक्म है, तो जो सबसे बड़ी रहमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो। अब आप हो सकता है कोई कहे यार नबी पाक अल्लाह की रहमत है, ये कहां से आया भाई। आओ फिर कुरान का रेफरेंस दे देता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत हैं। अहदीस में ये मजमून मिलता है, हदीस कुदसी है, ए महबूब तुझे ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता। जो वजह तखलीक के कायनात हैं, जिसके सबब ये दुनिया बनी है, उनकी आमद की खुशी क्यों ना मनाएं, तो इंशाल्लाह धूमधाम से मीलाद मनाएंगे। परचम भी लगाएं, लाइटें भी लगाएं, मगर चोरी की नहीं, बिल देकर। बेशक दो ट्यूबलाइटें लगाएं, दो बल्ब लगाएं, मगर बिल देना है, क्योंकि नाजायज तरीके से सवाब नहीं मिलता। महफिले नात करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, ठीक है। अच्छा अब परचम किस लिए लगाएं, कि दिन में कोई आपके घर के पास से गुजरे तो पता चले ये आशिक रसूल का घर है। लाइट इसलिए लगाओ कि रात में गुजरे तो पता चल जाए ये मिलाद मनाने वाले का घर है। हाँ अभी कुछ लोग निकलेंगे या निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, यार ये लाइटें की जगह जो है किसी गरीब की शादी कर दो, ये न्याज जुलूस करते हो तो किसी मरीज का इलाज करा दो। अब तो उनको जवाब बड़ा तगड़ा देना है, अरबों रुपए इन सैलाब जदगान में उन्होंने ही बांटे हैं जो सरकार का मिलाद भी मनाते हैं। इंशाल्लाह मुसलमानों की मदद भी करेंगे और मिलाद भी मनाएंगे इंशाल्लाह। बल्कि मजे की बात बताऊं, दावत इस्लामी वालों ने तो ये तय किया है कि उन सैलाब जदगान की खैमा बस्तियों में जाकर उनके साथ मिलाद मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ उधर भी परचम लहराएंगे, उनको इंशाल्लाह बिरयानी बनाकर फातिहा पढ़कर सरकार की मिलाद का लंगर भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। असल प्रॉब्लम पुराना है। हाँ ये मैं आपको बताऊं, मेरे आका की जब विलादत हुई थी ना तो शैतान ने सर पे खाक डाली थी। तो आप इंशाल्लाह खुशियां मनाएं, क्योंकि नबी पाक की जो खुशी मनाता है अल्लाह उसके घर में खुशी दाखिल कर देता है।